सर, दया सर की गाड़ी इसी रास्ते पर करीब 100 मीटर दूर है। 100 मीटर? अगर फोन क्यों नहीं उठा रहा है वो? वायरस आई है ना? वायरस? हाँ। सर वायरस नहीं है। क्या? वायरस नहीं? वायरस क्यों है? सर, दया, दया! मुझे पूरी उम्मीद थी आप और आपकी सीआईडी टीम उस वायरस को सही सलामत अपनी मंजिल तक पहुंचाएगी, मगर मगर क्या रामंजन जी, उस वायरस के बारे में हमारी टीम के अलावा आपको और आपकी टीम को भी मालूम था। क्या मतलब? मतलब यह कि आपकी टीम में से कोई गद्दार है जिसने उन लोगों को खबर कर दी हमारे खुफिया प्लान के बारे में। आप लोगों ने लास्ट मिनट में अपना प्लान बदल लिया था। आप लोग किस रास्ते से जाने वाले हो, किस होटल में रुकने वाले हो, इसकी खबर नहीं थी मुझे। लेकिन आपको यह तो पता था कि वो वायरस लेके हम लोग अशोक नगर की लैब में जा रहे हैं। सर, इस रघु से बहुत पूछा लेकिन इसकी सुई एक ही जगह पर आकर अटक गई। इसने ये सारा काम सिर्फ पैसों के लिए किया लेकिन वो पैसे दिए किसने ये इसे नहीं पता। देख रघु, अभी तो तू चल के आया है, अगर सच सच नहीं बताया ना तो पैरों पे खड़ा भी नहीं हो पाएगा, समझा? साहब मैं सच बोल रहा हूँ साहब, मुझे इस काम के लिए 1 करोड़ रुपए मिलने वाले थे साहब, बस और कुछ नहीं मालूम साहब, सच्ची में। 1 करोड़? कौन है ये जो तुम्हें 1 करोड़ देने वाला था? साहब मैंने बस आवाज सुनी थी साहब, मुझे कॉल आया था साहब प्राइवेट नंबर से, उन्होंने मेरे घर के पीछे गोदाउन पे 5 लाख रुपए एडवांस भी डाले थे साहब। अब और कुछ नहीं मालूम साहब, सच बोल रहा हूँ साहब। ये जो भी कोई है ना जो तुम्हें 1 करोड़ रुपये देने वाला है हमारे हाथों नहीं बचेगा, नहीं बचेगा वो हमारे हाथों। .22 कैलिबर की गोली, दया सर की गाड़ी पर .22 कैलिबर की गोलियां चलाई गई। हाँ रजत, और इन गोलियों के नीचे रिम भी है, ये देखिए। रिसर्च लैब पर जो गोलियां चली थी उनके नीचे रिम नहीं था और ना वो .22 कैलिबर की थी, वो थी .45 कैलिबर की गोलियां। और सर इस हमले में ना तो ऑटोमेटिक गन्स का इस्तेमाल किया गया था और ना ही ज्यादा कैलिबर की गोलियों का। वही तो रजत, वही तो, इसका एक ही मतलब है कि वायरस पाने के लिए सिर्फ एक ग्रुप नहीं और भी एक ग्रुप है, एक वो ग्रुप जिसने रिसर्च लैब पर हमला किया था और दूसरा ग्रुप जिसने दया पर गोलियां चलाई थी। सर इसका मतलब अब हमें सिर्फ एक नहीं दो दो ग्रुप्स को ढूंढना है। हाँ हाँ, लेकिन सबसे पहले ये पता करना पड़ेगा कि जिस ग्रुप के पास वायरस है वो लोग कौन है। एक सुराग है बॉस, एक सुराग है जिससे आप लोग उन तक पहुंच सकते हैं। तो यार जल्दी बताना सालुंखे। बताता हूँ, आइए। बॉस ये उस बॉम्ब के टुकड़े हैं जिसका इस्तेमाल करके मुजरिमों ने उस वैन की धज्जियां उड़ाई थी। इस बॉम्ब में टाइमर के साथ साथ फर्टिलाइजर भी मिला है। लेकिन इसमें अनोखा क्या है सर? क्या अनोखा क्या है वो बता। अनोखा ये है बॉस कि ये बॉम्ब दिखने में तो बहुत छोटा सा टिफिन बॉक्स जैसा है लेकिन है बहुत खतरनाक। इस बॉम्ब का इस्तेमाल बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में एक्सप्लोजर के लिए किया जाता है। और एक बात, इस बॉम्ब के कॉम्पोनेंट बाजार में आसानी से नहीं मिलते हैं, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज को भी खास परमिशन लेकर के स्पेशल ऑर्डर देकर के मंगवाना पड़ता है। तो फिर जरूर ये सारा सामान किसी फैक्ट्री से चुराया गया है। पता लगाना पड़ेगा ऐसी कितनी फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज हैं जहां पर ये ऐसा सामान इस्तेमाल होता है। सर क्या पता चला बॉम्ब के बारे में रजत? सर ये बॉम्ब पाइपलाइन कंपनीज में इस्तेमाल किया जाता है, मैंने शहर की हर ऐसी कंपनी को इन्फॉर्म कर दिया है
जैसे ही पता चलेगा कि ये बॉम्ब कहां से गायब हुआ था हमें खबर मिल जाएगी। सर उस नकली नंबर प्लेट वाली गाड़ी का पता चल गया, जैसी नंबर से ढूंढ लिया कि वो गाड़ी किसकी है। किसकी है गाड़ी? सर यूनिक टैक्सी कंपनी की है। अच्छा, यूनिक टैक्सी कंपनी। सर वो वैन किसी ने बुक नहीं की, वो तो चोरी हो गई थी। क्या वैन चोरी हुई थी? हाँ सर, कली वैन चोरी हुई और कली मैंने पुलिस में रिपोर्ट भी लिखवा दी थी। झूठ तो नहीं बोल रहे हो? क्या सर, मैं झूठ क्यों बोलूंगा? एक तो मेरा इतना बड़ा नुकसान हो गया, ऊपर से आप मुझ पे ही शक कर रहे हैं। अच्छा, ये तुम्हारी वैन यहाँ से चोरी हुई थी? हाँ सर, यही वो जगह है जहाँ मेरी वैन खड़ी थी। यहाँ पे खड़ी थी? सुरेश, कर क्या रहा तुम? वो कुछ नहीं, वो कचरा गिरा पड़ा था, मैंने सोचा उठा के बाहर फेंक दूंगा। इधर देखो, ये तो रेस्टोरेंट का बिल है। 5 बजे यहाँ से सैंडविच खरीदा गया, पनीर सैंडविच। ये कितने बजे चोरी हुई थी वैन यहाँ से? सर ये कोई शाम 8 बजे। शाम 8 बजे वैन चोरी हुई और 5 बजे कैफे किमानी से सैंडविच खरीदा गया और उसके बाद वैन चोरी हुई। कैफे किमानी। तो आपके वेयरहाउस से सिल्वर बॉक्स गायब? हाँ सर। ऐसे कैसे बॉक्स चोरी हो गया? आपके सिक्योरिटी गार्ड खर्राटे मार रहे थे क्या? नहीं सर, सर वो दरअसल 2 दिन पहले वेयरहाउस में आग लगी थी, शायद उसी दौरान किसी ने बॉक्स को चुरा लिया होगा। आग लगी कैसे? सर वो शॉर्ट सर्किट हुए, उसके बाद हमने मेन बोर्ड को चेंज कर दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया था। जहाँ ये मेन बोर्ड पहले था वो जगह दिखाइए। आइए सर। सर ये रहा बोर्ड। लगी नहीं, लगवाई गई है ताकि आग के बहाने सिल्वर बॉक्स चुराया जा सके। क्या आग जानबूझकर लगाई गई थी? जी हाँ, किसी ने जानबूझकर इस फ्यूज में ये मोटी तार लगाई है ताकि जब शॉर्ट सर्किट हो तो ये फ्यूज न उड़े और आग लगती रहे। मतलब जिसने भी ये किया है वो आतंकवादियों से मिला हुआ है। इस पावर बोर्ड पे जितने भी उंगलियों के निशान उठा लो। लेंगे सर, आइसक्रीम, फ्रेंच फ्राइज, बर्गर, सैंडविच। हम CID से। CID? क्या बात है सर? कल शाम को 5 बजे आपके यहाँ से किसी ने पनीर सैंडविच खरीदा था, ये रहा उसका बिल। ध्यान से देखिए इस बिल को और अपने दिमाग पे जोर डालिए और बताइए कि किसने खरीदा था ये। सर ऐसे तो रोज 50 लोग पनीर सैंडविच के लिए आते हैं, ऐसे कैसे याद रख सकता हूँ? तुम नहीं बता सकते, लेकिन ये CCTV फुटेज ये तो बता सकती है ना कि कौन और कब आया था। फुटेज दिखाओ जरा। जी सर। नहीं नहीं, ये 5 बजे का फुटेज दिखाओ। सर यही दोनों बंदे आए थे 5 बजे पनीर सैंडविच लेने। सर ऐसा लग रहा है कि एक आदमी ने दाढ़ी लगाई हुई है और ये दूसरे ने टोपी और चश्मा लगा रखा है। तो ये दोनों के दोनों वेश बदल कर यहाँ पे आए थे। ये फुटेज चाहिए हमें। पूरी पॉज करो। अब
रिवाइंड करके उसके हाथ पर जूम करो, देखना जरा दया उसके हाथ पे कुछ है। हाथ पे टैटू बना है सर। हाँ, TS। सर ये TS क्या हो सकता है? सर हो सकता है ये इस मुजरिम के नाम के इनिशियल्स हो। हाँ हो सकता है। पूर्वी एक काम करो, हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, देखो किन किन मुजरिमों के नाम TS से शुरू होते हैं। सर एक मिनट सर, तो मुझे ऐसा लगता है कि ये टैटू मैंने पहले भी कहीं देखा है। सर आप इस मुजरिम को पहचानते हैं? टैटू को देखकर लगता है कि इस आदमी के साथ कहीं ना तो कहीं मुठभेड़ हुई है। TS तुषार नहीं, तरुण, क्या नाम है उस आदमी का? TS तेजा, तेजा शान। TS सर, तेजा शान, तेजा शान। पूर्वी इस तेजा शान की पूरी कुंडली निकालो, बताओ क्या है। हाँ सर, सर ये रहा। सर ये तेजा तो गाड़ियां चुराता है। अच्छा अच्छा अच्छा, अब याद आया, मार्च में जब मैं नासिक जा रहा था तब रास्ते में मैंने इसे कार चोरी करते हुए पकड़ा था सर। सर ये छोटा मोटा चोर है, इतने बड़े षड्यंत्र में इसका हाथ कैसे हो सकता है? है विनेत है, जिस तरह से इस खेल में रघु का इस्तेमाल किया गया उसी तरह अब तेजा का भी इस्तेमाल हो रहा है। इस खेल में बहुत से छोटे मोटे प्यादे हैं और हमें चाहिए वो जो इन प्यादों को घुमा रहा है। सर, हाँ सर, उस पाइपलाइन कंपनी के इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड में जो उंगलियों के निशान मिले थे उसकी रिपोर्ट आ गई है। किसके उंगलियों के निशान है? सर वो किसी निमांशु नाम के आदमी की है। निमांशु? सर कहीं ये वही निमांशु तो नहीं जो किडनैपिंग, ड्रग्स और स्मगलिंग करता है? हाँ, और आतंकवादियों को एंथ्रेक्स और हथियार भी बेचता है। ये वायरस उसी ने चुराया है, इस निमांशु ने। रब जाकर के वो वायरस उन लोगों को बेचेगा जो लोग हमारे देश के खिलाफ साजिश रच रहे हैं। इससे पहले कि वो कुछ करे, पता लगाओ ये चूहा किस बिल में जाकर छुपा है। सलाम सर। बैठ कर लो। देख, मुझे निमांशु का एड्रेस चाहिए। निमांशु? देश की सुरक्षा का सवाल है, जल्दी बता। साहब अपन सच बोल रहे हैं, अभी वो किधर है अपन को सच में कुछ भी पता नहीं। देख, हमें अच्छी तरह से मालूम है तू निमांशु के लिए काम करता था, इसलिए सब कुछ सच सच बता दे, वरना CID के हाथों एक खून हो जाएगा। अंकल रिलो साहब, घोड़ा तो साइड रखो साहब। बता निमांशु का फोन नंबर, एड्रेस, जो कुछ मालूम है बता। सच्ची बोल रहे लो साहब, अपन को कुछ नहीं पता। और साहब उनके पास एक फोटो है साहब, शायद वो आपके काम आ जाए। ऐसी फोटो दिखाता हूँ साहब, ये देखो ना साहब। कहाँ की फोटो है ये? साहब को तो लगता है ना शायद ये निमांशु भाई के नए अड्डे का है। वो अपना एक दोस्त है मुन्ना, उसी ने भेजे रहा था साहब। बोल रहा था ना कि अभी इधर करोड़ों का डीलिंग होने वाला है, अभी निमांशु भाई बहुत बड़ा हाथ मारने वाला है। सर इसका मतलब उस वायरस की बिक्री इसी जगह पे होने वाली है। अरे तो अपने उस मुन्ना से पूछना कहाँ का एड्रेस है। साहब वो तो बाहर गाँव गया है, ना तो उसका कोई फोन नंबर है ना कोई एड्रेस। सच्ची बोल रहे हो साहब, ये बंगलो जो है समंदर के आसपास का ही लगता है। यहाँ भी एक कार भी खड़ी है, XYP 5051। पता लगाओ ये कार किसके नाम पे रजिस्टर्ड है।
इस कार से ही पता चलेगा इस बंगलों के बारे में। संभल के निमांशु अटैक कर सकता है। पूरा घर खाली है, लगता है बाकी लोग भाग गए। हाँ अभिजीत, जरूर है निमांशु वायरस लेकर भागा है। काम करो तुम दोनों, चेक करो इनकी जेबें, देखो कोई फोन नंबर या एड्रेस वगैरह मिलता है क्या। चलिए, कल्लू कह रहा था निमांशु वायरस का बहुत बड़ा सौदा करने वाला है। अभिजीत जो कुछ भी हो, लेकिन इससे पहले कि ये वायरस हमारे देश के दुश्मनों के हाथों पड़ जाए, इस निमांशु को हमें पकड़ना ही होगा। सर, सर इसके पास ही मोबाइल मिला। अभिजीत ये देखो, इसने निमांशु को मैसेज भेजा है कि वायरस के लिए एक और खरीदार मिला है, उसे मैं खतरपुर फैक्ट्री भेज रहा हूँ। एक और खरीदार, इसका मतलब ये निमांशु किसी एक गैंग को वायरस नहीं भेज रहा है सर, और भी लोग पड़े हैं इस वायरस के पीछे। ये निमांशु इस वायरस की नीलामी कर रहा होगा खतरपुर फैक्ट्री में। हाँ अभिजीत, एक काम करो, अभिजीत तुम अपने लिए एक नकली नाम, एक नकली आइडेंटिटी ले लो, मैं तुम्हें और निमांशु को एक मैसेज भेजता हूँ। तो और बंदों को खटरपुर फैक्ट्री भेज रहा हूं। क्या हुआ, कौन हो तुम दोनों? हम मार्को है और ये मेरा छोटा भाई टार्को। हम लोग वायरस खरीदने को आए। धीरे बोलो, धीरे। हम लोग वायरस खरीदने को आए। ठीक है ठीक है, अंदर आओ। अंदर रुको, अपुन के आदमी का मैसेज दिखाओ। ए! तुम हम पर शक करते हैं? जाने दो छोटे, जाने दो, जाने दो, जाने दो। मैसेज देखना है? हाँ। ये। वायरस चाहिए तो खतरपुर फैक्ट्री पहुंच जाओ। एक मिनट, आ जाओ छोटे। बॉस, ये मार्को और ये इनका छोटा भाई टार्को। हेलो निमांशु। हेलो मार्को, टार्को, पहले कभी सुना नहीं इन दोनों के बारे में। इसीलिए तो हम वो वायरस खरीदने को आए। उस वायरस से हम वो धूम मचाएगा, वो धूम मचाएगा कि इंटरपोल का पुलिस भी हमारे नाम से थर थर कांपेगा। कहां से पकड़ के लेके आए इन दो नमूनों को? ए! कितना कीमत है तुम्हारा वायरस का? सबसे ज्यादा कीमत हम देगा। बिठाओ इन दोनों को, चलो अंदर आ जाओ। नमूना बोला तुमको? हाँ, तो अब वक्त आया है नीलामी शुरू करने का। हमारे पास या तीन खरीदार मौजूद है इस वायरस के लिए। देखते हैं ये अनमोल वायरस किसके नसीब में है। एक मिनट, नीलामी से पहले हम वायरस देखना चाहते हैं। ए चुप, जो वायरस खरीदेगा वही उसे देखेगा। कोई बात नहीं है, खरीदार है, उन्हें देखने का पूरा हक है। पप्पू, इन सबको माल दिखा दो।
वायरस यहीं पर है। हाँ, तो नीलामी की शुरुआत होगी 10 करोड़ रुपए से। चलिए बोली लगाइए। 11 करोड़ 12 करोड़ 20 करोड़ 20 करोड़ 40 करोड़। हाँ, 40 करोड़ 50 करोड़। साठ करोड़। इस अनमोल वायरस की कीमत तो 100 करोड़ भी कम है। कदरदानों, बोली बढ़ाइए। है कोई? 60 करोड़ 1, 60 करोड़ 2, 60 करोड़ 3। मुबारक हो मार्को और टार्को, वायरस आपका हो गया। पैसे लायो। कैसी बच्चों वाली बातें करते हो निमांशु? 60 करोड़ रुपए कोई पॉकेट में लेके घूमेगा? ये लो, मेरे इस मोबाइल फोन में अपना अकाउंट नंबर टाइप कर दो। 2 मिनट में तुम्हारे अकाउंट में पैसे ट्रांसफर हो जाएंगे। लाइए। लेट्स गो। मुबारक हो निमांशु, 2 मिनट में तुम बहुत अमीर आदमी बनने वाले हो। तुम्हारे साथ काम करके मार्को और टार्को को बहुत मजा आया। लाओ, अब वो वायरस हमको दे दो। ला। लॉक। वायरस लेके अभी निकल गया वो। माय गॉड। अभिजीत, इसका मुंह खुलवाते हैं, लेकिन पहले डॉक्टर के पास ले चलते हैं। चल, चल, चल। मुझे नहीं पता था, बोलो वायरस चुरा के खा लेके गए। ऐसे नहीं मानेगा सर, लातों के भूत बातों से नहीं मानते। अब आप लोग मेरा यकीन क्यों नहीं करते साहब? कि झूठ बोल के क्या मिलेगा साहब? एक आतंकवादी पर यकीन करें, एक देशद्रोही पर यकीन करें। साहब, मैं देशद्रोही नहीं हूं साहब। मैं तो पिछले हफ्ते इस गिरोह से जुड़ा हूं साहब। अगर मुझे पहले पता होता साहब, ये लोग देश को इतना बड़ा नुकसान पहुंचाने वाले, तो मैं कभी इन लोगों का साथ नहीं देता साहब, कभी नहीं। फिर किसने कहा तुम्हें इस गैंग में शामिल होने के लिए? साहब, पैसों के खातिर मैं इन लोगों के साथ जुड़ गया था साहब। अच्छा, तो पहले मालूम नहीं था कि ये लोग वायरस चुराने वाले? नहीं साहब, ये लोग मुझे कुछ बताते नहीं थे साहब। मुझे तो आज सुबह तक ये भी नहीं पता था कि हम लोग वायरस चुराने के लिए एक बार फिर से हमला करने वाले हैं साहब। फिर से? हाँ साहब। पहले कब किया था हमला? कौन? साहब, इससे पहले जो सरकारी बिल्डिंग पे हमला हुआ था, वो हमला भी हम ही लोगों ने किया था साहब। सरकारी बिल्डिंग पर हमला किया था हा? और कहते हो कि तुम देशद्रोही नहीं हो? नाम क्या है तुम्हारे बॉस का? है कौन वो? सब दामोदर नाम है उसका साहब। दामोदर? पूर्वी, हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड चेक करो, देखो क्या पता चलता है इस दामोदर के बारे में। सर, कब से प्लानिंग चल रही थी तुम्हारी?
इस हमले की? प्लानिंग तो तभी से चालू थी सर, जब से निमांशु के गिरोह वाले वायरस हमारी नाक के नीचे से निकाल के ले गए थे साहब। इस बात की जानकारी दामोदर उसके कुछ खास आदमियों को ही होती थी साहब, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं पता साहब। कुछ नहीं पता सुन के हमारे कान सड़ गए। ये वायरस कहाँ है बता दे, वरना तेरा क्या हशर करेगा कानून ये हम भी नहीं जानते, समझा? सर दामोदर नाम का कोई भी मुजरिम हमारे क्रिमिनल रिकॉर्ड्स में नहीं है। सर ये आदमी हमसे अभी भी झूठ बोल रहा है, इसने अपने बॉस का असली नाम अब तक नहीं बताया। अब मुझे तो उसका नाम दामोदर ही बताया गया था साहब, हो सकता है उसका नाम कुछ और हो साहब। उसकी शक्ल तो देखी होगी तुमने। हाँ साहब देखिए साहब। तो फिर उसका स्केच बनवाओ समझे, और अड्डा बताओ। अभिजीत पूर्वी के साथ उस तरफ हम लोग इस तरफ जाते हैं। सर कुछ भी नहीं मिला, खाली पड़ा हूं। सर सर ये एक बिल्डिंग का प्लान मिला है। अभिषेक किस बिल्डिंग का प्लान हो सकता है ये? सर हो सकता है बिल्डिंग इनके छुपने का कोई अड्डा हो। नहीं निखिल मुझे नहीं लगता ऐसा खतरनाक वायरस लेकर बार बार अड्डा नहीं बदलेंगे। मुझे तो लगता है ये लोग इसी बिल्डिंग में वायरस फैलाने वाले हैं। मिनट पता चला किस बिल्डिंग का नक्शा है? नहीं सर अभी तक नहीं, शहर की सारी कमर्शियल बिल्डिंग्स के नक्शे में चेक कर रहा हूँ सर। और हमारे पास वक्त बहुत कम है, कहीं ऐसा ना कि हम इसी नक्शे में उलझे रहे और वहां पर अटैक हो जाए वायरस का। सर उस सत्या ने जिस दामोदर का स्केच बनवाया था वो दामोदर नहीं, उसका नाम अंशुमन है। अंशुमन कोई पुराना पापी है क्या? नहीं सर अंशुमन कोई मुजरिम नहीं है, बल्कि एक आर्मी ऑफिसर था। What? आर्मी ऑफिसर क्या याद आया 2008 में अंशुमन नाम के एक ऑफिसर को दुश्मन देश ने पकड़ा था और उसे मार भी डाला था, तो जरूर ये वही अंशुमन है। सर मगर ये कैसे हो सकता है, एक मरा हुआ आर्मी ऑफिसर ये काम कैसे कर सकता है? सर शायद ये दामोदर अंशुमन के भेस में ये सब कर रहा है, अंशुमन का चेहरा लगाकर। नहीं निखिल ये दामोदर तो लोगों के सामने आने के लिए तैयार ही नहीं, किसी ने भी उसे देखा नहीं, तो फिर वो अंशुमन के भेस में क्यों आएगा? नहीं ये अंशुमन मरा नहीं, अंशुमन जिंदा है, अभी भी अंशुमन जिंदा है। सर अगर ये अंशुमन जिंदा है तो अपने परिवार वालों से जरूर मिलता होगा। पूर्वी इसके फैमिली का रिकॉर्ड चेक करो। सर एक आर्मी ऑफिसर क्यों अपने देश के साथ गद्दारी करे? क्योंकि शायद उसके दिल में आज भी इस बात का गुस्सा है कि जब दुश्मन देश ने उसे पकड़ा तो हमारा देश और देशवासियों ने उसे बचाने के लिए कुछ नहीं किया। पर सर ये बात तो सच नहीं है, सरकार तो पूरी कोशिश करती है उन्हें बचाने के लिए। हाँ पूर्वी ये बात तो हमें भी पता है, लेकिन शायद उसे लगा होगा कि हमारे देश ने उसे बचाने की पूरी कोशिश नहीं की और इसलिए वो बागी बन गया। सर तेरे नक्शा होटल फिर एशिया के नक्शे से मैच हो गया। सर होटल फ्री एशिया, मेरे पापा ने अपने एक एक सांस नौछावर कर दिए देशभक्ति के नाम पे, शहीद हो गए इस देश पे, और आप सीआईडी वाले उन्हें देशद्रोही कह रहे हैं, उन्हें मुजरिम कह रहे हैं। I'm sorry, Miss Ria, मगर सच्चाई तो यही है कि आपके पिताजी मिस्टर अंशुमान ने देश को धोखा दिया है, और वो मरे नहीं अभी भी जिंदा हैं और अपने ही देश के खिलाफ एक ऐसा षड्यंत्र रच रहे हैं ना जाने उसकी कीमत आने वाली कितनी पुश्तें चुकाएंगे। ये नहीं हो सकता, पापा अगर जिंदा होते तो मुझसे मिलने क्यों नहीं आए? हो सकता है वो आए हो और आप हमसे बात छुपा रही हो। What? मैं आप लोगों से झूठ क्यों बोलूंगी? मुझे समझ में नहीं आ रहा है आप लोग मेरे बात का यकीन क्यों नहीं कर रहे हैं। चलिए मान लिया कि आप सच बोल रही हैं,
सूरज मेरे कमरे की तलाशी। तलाशी वो किस लिए? सच बोलने वाले तलाशी देने से कब से डरने लगे? आर्या जी सर ये मोबाइल फोन मिला लेकिन इसमें इनके पिता अंशुमन जी का कहीं कोई नाम नहीं। कहीं कोई नाम नहीं है? एक काम करो सूरज इस मोबाइल को अच्छी तरह से चेक करो और देखो कि रिया जी ने सबसे ज्यादा फोन किन नंबर्स पे किए। सर ये 5 नंबर्स पे। 5 नंबर्स पता करते हैं कि इनमें से कौन सा नंबर वायरस की नीलामी वाली जगह पर था। सर अंशुमन का मोबाइल इस तरफ दिखा रहा है। चलो चले चला। अरे सर आप लोग अंदर नहीं जा सकते सर। हेलो सर कहिए मैं आपकी क्या सहायता कर सकता हूँ? यार सहायता तब करोगे जब फोन उठाओगे। कब से फोन कर रहे हैं उठा क्यों नहीं रहे आप लोग? सॉरी सर वो क्या है आर्मी वालों की कॉन्फ्रेंस है सभी लोग उसी की भागदौड़ में लगे हुए शायद इसीलिए किसी का फोन की घंटी पर ध्यान नहीं गया। ये कॉन्फ्रेंस होनी नहीं चाहिए। सर मैं क्यों? हम लोग CID से कॉन्फ्रेंस रोको जल्दी। सर सर सॉरी सर लेकिन कॉन्फ्रेंस तो शुरू हो चुकी है 11 बजे का वक्त है सर। माय गॉड ये आदमी आया कॉन्फ्रेंस के लिए? पता नहीं सर इतने सारे लोग किसका चेहरा याद रखो पर बात क्या है सर? बात बहुत सीरियस है। काम करो तुम्हारा होटल अच्छी तरह से सील करो कोई अंदर बाहर नहीं आना चाहिए। सीसीटीवी का लाइव कवरेज हमें देखना है अभी। सर किस तरह? अभिजीत जाइए प्लीज जल्दी। से देखना अच्छी तरह से। श्रेया कोई दिखा तुम्हें? नहीं सर ना ही अंशुमन दिखा और ना ही उसके गैंग का कोई आदमी। यहाँ पे तो मॉनिटर्स लगे हुए इसका मतलब होटल में जो कुछ भी हो रहा है अंशुमन को सब कुछ पता है। सर हो सकता है वो लोग कॉन्फ्रेंस हॉल के अंदर ही हो जहाँ वो फंक्शन चल रहा है। नहीं कॉन्फ्रेंस हॉल के बाहर मिलिट्री वालों की बहुत टाइट सिक्योरिटी है वहाँ से अंदर घुसने की गलती नहीं करेंगे ये लोग। सर इसका मतलब वो लोग वायरस कहीं और से भी छोड़ सकते हैं? बिल्कुल श्रेया बिल्कुल वायरस है वायरस कोई बॉम्ब या गोली नहीं। एक बार ये वायरस हवा में फैल जाए ना तो पता नहीं कितने लोगों की जानें चली जाएंगी। सर ये हवा में वायरस डालने का सबसे आसान तरीका ये एयर सर्कुलेशन के जरिए। हाँ एयर सर्कुलेशन। श्रेया एयर सर्कुलेशन रूम का CCTV दिखाओ। ये दो लोग उसी एरिया की तरफ जा रहे हैं स्टाफ वाले लगते हैं। नहीं नहीं ये अंशुमन का आदमी है सर वायरस की नीलामी के वक्त इसे मैंने वहां पे देखा था अभी इन्हें रोकना होगा। जाओ वरना गोली मार दूंगा। अगर हमें मौत से डर लगता तो वायरस फैलाने जैसा काम हमें नहीं दिया जाता ऑफिसर। वाकई अंशुमन को सब खबर है कहां क्या हो रहा है लल्लू राम बड़ी देर से समझ में आया। शायद तुम्हें इस बात की खबर नहीं है कि CID तुम्हारे ड्रामे पर पर्दा डाल चुकी है। मासूम लोगों की जाने लेना बहादुरी नहीं करता है। इस देश और देशवासियों को तबाह करना बस यही हमारा मकसद है। जब तक CID है तब तक तुम जैसे लोग हमारे देश और देशवासियों का कुछ नहीं कर सकते। गोली चलाने की जरूरत नहीं है ये खुलते ही तुम सबके सब मारे जाओगे। ये लोग गणतंत्र दिवस का तोहफा ACP प्रद्युमन की तरफ से। Great work, Abhijeet.
ये कैसे हो सकता है? तुम्हें क्या लगता है ये अंशुमन इतना बेवकूफ है? मेरे पास दो और वायरस के कनिस्टर हैं। भारत की तबाही अब निश्चित है, निश्चित। शर्म आनी चाहिए तुम्हें। जिस देश की फौज का हिस्सा रहे हो तुम, उसी देश को तबाह करने की बातें कर रहे हो। कुछ नहीं दिया मुझे इस देश ने। चढ़ रहा था मैं इतने सालों से दुश्मन की बदबूदार जेलों में, और यहाँ यहाँ भारत के वासी आराम की नींद सो रहे थे, त्योहार मना रहे थे, डिस्को जा रहे थे, इश्क ला रहे थे। देखो अंशुमन, जो कुछ भी तुम्हारे साथ हुआ उस बात का हम सबको अफसोस है, पर ऐसी बात नहीं है कि सरकार ने कोशिश नहीं की थी तुम्हें बचाने की, कोशिश की थी। बस अब मेरी जिंदगी का एक ही मकसद है, भारत की तबाही बर्बादी। और ये रहा इतनी आसान मौत नहीं मिलेगी तुझे अंशुमन, तूने जो किया है उसका अंजाम तो झेलना ही पड़ेगा। मुझे दुख तो इस बात का था कि जिस देश के लिए मैं 8 साल तक लड़ता रहा उस देश ने मुझे वापस लाने की कोई कोशिश नहीं की। कोशिश की थी मगर दुश्मन देश के हिसाब से तुम मर चुके थे। पर मिस्टर अंशुमन, तुम्हारे साथ 8 सैनिक पकड़े गए थे, फिर ऐसा कैसे हुआ कि सिर्फ तुम ही जिंदा बचे? क्योंकि आतंकवादियों से मिल गया था, ये आतंकवादियों से देश को बेचने निकला था। अगर देश का रक्षक ही भक्षक बनेगा तो दुश्मनों की क्या जरूरत है? लेकिन जब तक हम हैं, जब तक ये CID है, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा। जय हिंद, जय हिंद। For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.